मैं सदा से जब मेरे गुरु की शरण में था, पंडित रामचंद्र जोशी, उन्हें मेरा प्रणाम है, क्योंकि उनकी चर्चा इसलिए लाना जरूरी कि यह विद्या कि ये आदमी इतना अमीर कैसे बना, दूसरा दो जनपत्रियों में कि ये 1 लाख की है या 100 करोड़ की हो गई, वो कौन सी सीमा रेखा है जब क्रॉस करके व्यक्ति उस सीमा रेखा को पार जाता है, कब वो जनपत्र का जंप कर दी। मैं बहुत पहले हस्तरेखा देखते समय उस आदमी को सदा याद करता था, जब जयपुर शहर में सांगनेरी गेट से ऑटो रिक्शा में जब मैं बैठता था टेम्पो में 12 सीटर में, तो एक भिखारी सदा हाथ कर देता था सामने आके, तो उसकी हस्तरेखा यहां से जाके और बड़ी गहरी होके यहां तक आ गई। मेरे को ताज्जुब हुआ कि इतनी भारी भाग्य रेखा या शनि रेखा होते हुए भी वो भिखारी क्यों है। तो मैंने उसको उन दिनों 54 या 58 थी प्रचलन में, मैंने इतनी 54 दी उसको हाथ देखने के लिए खाली, और वो नया नया आदमी होता है ना, तो नया नया मुल्ला अल्लाह ही अल्लाह हो। एक दिन तो मैंने उसको हाथ पकड़ लिया जबरन, 54 की जगह 58 दी कि उसकी हस्तरेखा पूरी देखूं, कि एक बात पता चला कि वो हस्तरेखा में भाग्य रेखा या शनि रेखा शनि पर्वत को क्रॉस करके और पूर्वे में पहुंच गई अंदर। शनि के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करेंगे ना तो दंडित कर देंगे आप कोई भी ग्रह। आप अगर ये समझते हो कि उच्च का ग्रह है और परमोच्च का है और आपको सब कुछ अच्छा ही अच्छा करेगा, तो इससे बड़ी गलती ज्योतिष जगत में नहीं हो सकती। घी बहुत अच्छा है, आप ज्यादा खा जाइए, देखो क्या परिणाम आता है। बहुत जोर से ज्यादा, आपकी क्षमता से ज्यादा धन आ गया आपके पास, देखो फिर क्या परिणाम आता है। तो सत्ता के मद में या संपत्ति जनित बीमारियां भी साथ आती हैं, इस बात को हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। धन वह शुद्ध है जो खराबा नहीं करे। मैंने वो गायत्री परिवार वाले आचार्य श्रीराम की एक पंक्ति में सदा याद रखता हूं, सुख वह है जो किसी का दुख ना हो, चाहे वो फीस हो, चाहे वो कोई कॉम्प्रोमाइज अमाउंट हो, चाहे वो डोनेशन हो, चाहे वो गिफ्ट हो, अगर वो किसी का दुख है, चाहे वो खरीद है, खरीद क्या है, एक मकान में बहुत ज्यादा पीड़ाएं थी, टॉर्चर थे, मृत्यु थी, और बहुत मजबूरी में आकर उन्होंने प्लॉट को 10 लाख की जगह 5 लाख में बेचना पड़ा। इसे मतलब 5 लाख का टॉर्चर उस प्लॉट में अभी भी जिंदा है, आपको उसका पता चला हो या आपको उसका पता नहीं चला। तो इन सीमा रेखाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। दो सीमा रेखाएं हैं कि कब वह जन्म पत्रिका 1 लाख से 1 करोड़ पर पहुंच गई, वो हमको कैसे पता चले, और कब वो 1 करोड़ को पार कर गई है और जब हमें दुख देना शुरू करेगी, वो ग्रह, वो जन्म पत्रिका, वो जमीन, वो मकान, वो संपत्ति कब दुख देना शुरू करती। मैंने बहुत बार देखा है कि किसी व्यक्ति की धारण क्षमता कुल मिलाकर 1 लाख रुपए, कमाई हो गई 1.5 लाख रुपए, तो 50 हजार जो बाकी का कमाया ना उसने, वो टिकेगा नहीं उसके पास, उसकी भाग्य की सीमा से ज्यादा उसके पास नहीं रुकेगा और निकलेगा कोई ना कोई बहाने से, किसी न किसी बहाने से वो धन उससे निकल जाएगा, चाहे हारी में, चाहे बीमारी में, चाहे एक्सीडेंट में, चाहे दुर्घटना में, चाहे किसी और कारण से। इसीलिए दान की महिमा है कि जब आपके लेवल्स के ऊपर आपकी संपत्तियां उपलब्धियां जाने लगे, डोनेट करते रहो जिससे कि आपके घर में कोई कष्ट नहीं आए। अब हम विषय पर आते हैं। मैं 10-12 पॉइंट्स मेरे पहले जो बात कही है मैंने आपसे कभी भी रखी है सामने, उसमें भी षड्वर्ग और षोड़श
षोडश वर्ग और षडबल की मैंने कल्पना बताई थी आपको, उससे कैसे देखेंगे आदमी कब महान बन रहा है, कितना बन रहा है। आज मैं एक टाइम मैनेजमेंट की भी एक चर्चा आपसे हल्की सी करूंगा, तो बीच में लाऊंगा, पर मैं अपनी सही वार्ता शुरू कर देता हूं कि पहले तो आप ग्रहों की युति देखें चंद्र से और लग्न से। दोनों से ग्रहों की युतियां कितनी कहां है, चाहे चंद्रमा के साथ ग्रह बैठे हों, चाहे लग्न के साथ बैठे हों ग्रह, चाहे लग्न से केंद्र में त्रिकोण में हो, चाहे चंद्र से केंद्र त्रिकोण में हो, यह जन्म पत्रिका का स्तर बढ़ाने में मदद करती है। आप सबसे पहले ये देखें कि ग्रहों की युतियां है या नहीं। उसमें दो बात ध्यान रखने की, कि अगर लाभ के स्वामी, दूसरे भाव के स्वामी, केंद्र के स्वामी के साथ अष्टमेश आ गया तो धन नष्ट होने के योग भी आ गए, षष्ठेश आ गया तो विवाद और संघर्ष में बहुत सारे वर्ष बीतेंगे, ये भी उसमें आ गया। द्वादश भाव के साथ किसी युति कर ली किसी ग्रह ने, मान लो लाभ के साथ, लाभ के स्वामी के साथ, लाभ भाव के साथ बारहवें भाव के स्वामी ने युति कर ली, तो हमारी नजर जानी चाहिए कि इसका धन कहाँ खर्च हो रहा है, स्त्रियों में हो रहा है, काम की पूर्ति में हो रहा है, न्यायालय में रिश्वत देनी पड़ रही है, या कहाँ वो पैसा निकल रहा है, वो कौन सी नाली खुल गई है जहां से वो पैसा जाएगा बाहर। लाभ भाव ने कमा के दे दिया, टिक नहीं रहा, बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है एक जरा सी युति से। मान लो अष्टमेश दूसरे भाव में बैठ गए, आप यकीन मानिए करोड़ों कमा लेने के बाद भी आपके पास कुछ नहीं बचे, तो धनी कैसे बने। मैंने इसकी एक काट खोज निकाली कि अपने नाम से नहीं ले, आश्रम बना ले, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बना ले, उसकी भी जन्म पत्रिका तय कर ली, तो वो योग वहां का डिफीट हो जाएगा और वो धन उधर जाना शुरू हो जाएगा। जो लोग सोसाइटी या चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते हैं उनके घर में धन कभी नहीं जमा होता, परंतु ट्रस्ट में गाड़ियां खरीद ली, ट्रस्ट में साधन हो गए, ट्रस्ट के खर्चे पर अपने निजी संसाधन भी बना लिए, उन्होंने काम लेना शुरू कर दिया। तो ये युतियां बहुत महत्वपूर्ण है। आपके साथ किसी भी युति में, जन्म पत्रिका में कोई भी युति ऐसी नहीं है जिसमें धन को नष्ट करने का कोई ना कोई योग बना हो, अष्टमेश, षष्ठेश या द्वादशेश। सप्तमेश के साथ जहां बहुत ज्यादा युतियां हुई तो वो भी कष्ट देने वाला हो सकता है, क्योंकि वो पार्टनरशिप में धन खर्च होगा, लाइफ पार्टनरशिप में भी धन खर्च होगा, लाइफ पार्टनरशिप एक से अधिक हो सकती है, बिजनेस पार्टनर्स भी एक से अधिक हो सकते हैं, तो वो धन किनारे पर आने की तैयारियां शुरू कर देता है। अब आपकी नजर ये जानी चाहिए कि अस्त या नीच के ग्रह जन्म पत्रिका में नहीं, नहीं तो वो अपनी बलि लेंगे ही लेंगे। ग्रह अस्त है तो उसने अपना निजी खो दिया है, सूर्य को अर्पित कर दिया है, योग भी उससे बनते हैं, पर योग तभी सार्थक है जब वो अस्तंगत हो जाने वाली डिग्री से थोड़ा सा दूरी रहे, या संधि पर हो या मार्जिन पर हो। अगर वो अस्त ही हो गया तो योग तो बनेगा, पर योग में कुछ प्रतिशत की कमी आ जाएगी, योग का तो श्रेष्ठ फल मिलेगा मिलेगा, परंतु ग्रह व्यक्तिगत आचरण में अपने गुणों का प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। न वो शत्रु नवांश में जाए। अब आप ये देखें कि उच्च के ग्रह और स्वराशि के ग्रह और मित्र राशि के ग्रह कितने हैं। जितनी अधिक संख्या होगी और अस्त नहीं होंगे, जन्म पत्रिका का स्तर अचानक उठना शुरू हो जाएगा। अभी मैं साधारण डायलॉग्स बोल रहा हूं, फिर कंक्लूडिंग एविडेंस दूंगा कि इसमें किस ढंग से देखें। पहली बार अपन ने चर्चा की, आज मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं, कुछ बातें नहीं बताऊंगा। फिर नजर जानी चाहिए कि इन उच्च के ग्रहों में भी परमोच्च का ग्रह कौन सा है। बृहस्पति 5 अंश पर, चंद्रमा 3 अंश पर, हर ग्रह की, शुक्र 28-27 अंश पर जाकर परमोच्च होता है, बुध 15 डिग्री पर होता है, हर ग्रह के परमोच्च अंश बहुत अलग अलग हैं। शनि जो परिणाम अपनी उच्च राशि में 9 डिग्री पर देता है,
उससे 100 गुना ज्यादा कितना बड़ा अंतर आ गया। जन्मपत्रिका जंप कर रही है ना, देखो शनि परमोच्च का होकर डिग्री पर जो परिणाम देता है उसका 1/100 देता है, 1 डिग्री आगे या पीछा। एक अनुभवी ज्योतिषी की पकड़ इस चीज पर होनी चाहिए। दिखने में एक जैसी जन्मपत्रिकाएं, दोनों के उच्च राशि में ग्रह पड़े पर दोनों के स्तर में इतना बड़ा अंतर क्यों है? इसलिए कि वो खास बिंदु जहां से जन्मपत्रिका या आपका जीवन या आपका धन का स्तर अचानक जंप करता, ऊंचा उठता। इसी तरह से वर्गोत्तम ग्रह करते हैं। आपके जन्म लग्न वर्गोत्तम होते ही मान लीजिए आप लाखों लोगों से ऊपर उठ चुके हैं। केवल लग्न वर्गोत्तम होने से आप लाखों लोगों से ऊपर उठ चुके हैं। आपका आय का स्तर औरों से बहुत अधिक है, आपकी सकल उपलब्धियां बहुत ज्यादा होंगी। छोटी सी बात, इसी में एक बात और जोड़ दो, वर्गोत्तम में है वो वर्गोत्तम ही कि किन्हीं दो 16 वर्गों में से 16 वर्गों में से अगर दो लग्न एक जैसी हो गई, जन्म लग्न के अलावा भी, मान लो आपके जन्म लग्न सिंह है और चतुर्थांश या द्वादशांश या सप्तमांश या नवांश त्रिमशांश सप्तविंशांश कोई सी एक लग्न रिपीट हो गई, आप मान के चले आप लाखों लोगों से ऊपर उठ चुके हैं। और कोई सी तीन लग्न एक हो गई तो आप मान के चले कि आप करोड़ों लोगों से ऊपर उठ चुके हैं। अब आप अगर वर्गोत्तम के कंसेप्ट पर आ गए, चाहे लग्न हो चाहे ग्रह का, यानी एक भी ग्रह वर्गोत्तम हो गया तो वही प्रभाव होगा जो लग्न के वर्गोत्तम होने का होता, कि आप लाखों लोगों से ऊपर उठ चुके हैं। और अगर दो नवांश आपके वर्गोत्तम हो गए तो आप करोड़ों लोगों से ऊपर उठ चुके हैं। आपके आय का स्तर उन सबसे, आपके प्रभाव का स्तर उन सबसे बहुत ज्यादा है। एक नवांश और है, पुष्कर नवांश। हर राशि में दो नवांश पुष्कर अवांश होते हैं, पुष्कर नवांश होते हैं। हर राशि के ये नवांश अलग अलग होते हैं। यदि आप किसी भी ग्रह को पुष्कर अंश में पाते हैं तो वह ग्रह अपनी महादशा और अंतरदशा में आपके जीवन स्तर को बहुत ऊंचा उठा देंगे। यदि एक भी ग्रह पुष्कर अंश में आ गया और उसकी महादशा आपके जीवन में आ गई तो आप करोड़ों लोगों से ऊपर उठ सकते हैं। एक भी वर्गोत्तम नवांश वाले ग्रह की महादशा आपके जीवन काल में आ गई, आप करोड़ों लोगों से ऊपर उठ चुके हैं। इसलिए सबसे बड़ा जो आपका परीक्षण है कि आप वर्गोत्तम लग्न, वर्गोत्तम नवांश और पुष्कर नवांश, इन पर नजर रखें। इनमें से एक भी आपको लाखों या करोड़ों लोगों से ऊपर उठा लेगा। इसके अलावा मैंने आपको दो चीज बता दी, परमोच्च का ग्रह, उच्च का ग्रह, वर्गोत्तम ग्रह, वर्गोत्तम नवांश, वर्गोत्तम लग्न,
और पुष्कर नवांश। यह सब आपको इतना ज्यादा ऊंचा उठा देंगे कि आपको यह तय करने में मदद मिलेगी कि यह आदमी 1 लाख का है या 10 लाख का हो गया है या करोड़ का हो गया। लाखों लोगों से ऊपर उठने का मतलब करोड़ों लोगों से ऊपर उठ जाना है। एक और अब जो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में लिया था कि षडबल युक्त अगर ग्रह है, किसी एक भी ग्रह का षडबल 1.50 आ गया है एक की बजाय, जो कि नॉर्मल है, तो वो ग्रह अंतरदशाओं में तो फल ही देगा। अगर उस ग्रह की महादशा आपके जीवन में आ गई तो आप बहुत लोगों से ऊपर उठ जाएंगे और करोड़ों की माया आप अर्जित करने में समर्थ हो जाएंगे। आपके पास बहुत सारी भूमि होंगी, आपके पास बहुत सारे साधन होंगे, धन यापन के साधन एक से अधिक हो जाएंगे और तमाम वो आपके आसपास के जो साथी हैं आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे, आपका संगठन बनाने में मदद करेंगे, आपको समाज में उठने में मदद करेंगे। ऐसे ही जिन ग्रहों को वर्ग बल प्राप्त है कि वो एक से अधिक वर्गों में उत्तम है, बात वर्गोत्तम की है। वर्गोत्तम तो खाली हम एक ही ग्रह के उत्तम अंशों में होने से देख लेते हैं। वर्गोत्तम के बारे में हम जो आज तक जानते हैं कि जन्म लग्न में जिस राशि में वो ग्रह हो, नवांश कुंडली में भी इसी राशि में हो जाए, तो अब दूसरी बात आ गई कि केवल नवांश में ही वर्गोत्तम नहीं होता। मान लो कोई ग्रह आपके मकर राशि में है जन्म लग्न, नवांश में मकर में नहीं है परंतु दशांश कुंडली में मकर राशि में आ गया वही ग्रह, इसके मतलब आपका दशांश वर्गोत्तम हो गया और दशांश में राजयोग देखा जाता है, इसका मतलब आपका राजयोग वाला चैप्टर उठ रहा है। धन बहुत ज्यादा आया नहीं है, सत्ता और साधन और संचालन के लिए धन ये आपके पास पर्याप्त आ गया, चाहे नौकरी हो, चाहे राजयोग हो, चाहे व्यवसाय हो। पर कोई ग्रह 16 वर्गों में 5 या 6 वर्गों में उत्तम हो गया, उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो या मित्र राशि, तो वो 1 लाख का नहीं रहता, वो 1 करोड़ में बदल जाएगा, बल्कि सीमा बहुत ज्यादा ऊंचा उठ जाएगी। मेरा जीवन भर का अनुभव है 3 वर्गों में उत्तम होने से लखपति की श्रेणी को लांग जाता है, 4 वर्गों में ग्रह उत्तम होने से 16 वर्गों में से 4 वर्ग वो करोड़पति होने की श्रेणी में आ जाता है, 5 वर्गों में उत्तम होने पर वो आदमी 20 से 50 करोड़ की श्रेणी में आ जाता है। आप किसी के लिए भी डिक्लेयर कर सकते हो अगर 5 वर्गों में कोई ग्रह उत्तम हो तो, अगर 6 वर्गों में उत्तम आ जाएगा तो उसके परिसंपत्तियां उसके 60 से 70 साल की उम्र में 60-70 करोड़ से ज्यादा पाई जाएंगी, बल्कि और भी बहुत ज्यादा। ये जो महान लोग बैठे हैं ना आसमान पर जो बैठे हैं सितारों की तरह देश में, उन लोगों का आमतौर से मैं देखता हूं कि केरल संज्ञा वाले या उससे ऊपर की संज्ञा वाले, अर्थात 16 में से 8 ग्रह अगर वर्गों में अच्छे हुए तो भारत भर में अपार ख्याति का अधिकारी बन जाता है। फिर से रिपीट करता हूं, 1 वर्ग में उत्तम हुआ साधारण रह जाएगा, 3 वर्ग में उत्तम हुआ वो व्यक्ति लक्षाधिपति हो जाएगा, 4 वर्ग में उत्तम होते ही 3रे और 4थे वर्ग में 1 करोड़ का फर्क आ गया है। माइंड इट प्लीज,
16 में से 3 वर्ग तक वो लक्षाधिपति है, पर चौथे वर्ग में उत्तम होते ही, यानी 4 वर्गों में उच्च राशि का हो, स्वराशि का हो, मित्र राशि का हो, तो करोड़ पर आ गया है वो। पर इनमें से एक भी परमोच्च में हुआ कोई ग्रह तो वो 1 करोड़ को जंप कर जाएगा। 4 से 5वां वर्ग अच्छा हुआ 16 में से, 16 वर्ग की कुंडली में, तो वो 10-20 करोड़ का मालिक हो जाएगा। अगर 6 वर्ग में भी उत्तम हो गया, उसकी संपत्तियां 50-60-70 करोड़ को क्रॉस कर जाएंगी। शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये अनुभव बताता है, मैंने जिंदगी भर इस पर काम किया है। यदि आपकी जन्म पत्रिका केरल या कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष का मतलब 7 वर्गों में उत्तम है, तो आपकी संपत्तियां आपके बुढ़ापे में 70-80 करोड़ के आसपास आ सकती हैं। यदि आपका 8 वर्गों में उत्तम हुआ, एक भी ग्रह परमोच्च का हुआ, आप 100 करोड़ को क्रॉस कर जाएंगे। आपके 2 या 3 ग्रह कल्प वृक्ष यानी 7 की श्रेणी में आ गए, तो आप 100 करोड़ को क्रॉस कर जाएंगे। अगर आपका ग्रह 9 वर्गों में उत्तम है, तो समझ लो कि आप अमिताभ बच्चन जैसा बनने की तैयारी में, 1000 करोड़ पर लंच करें। 9 ग्रहों का मतलब 1000 करोड़। हम 1 लाख से 1 करोड़ की बात नहीं कर रहे, हम 1000 करोड़ की बात कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे प्रमाण हैं, ऐसी बहुत सारी जनपत्रियां हैं जिनमें टर्नओवर 15-20-25 हजार करोड़ है, और सबकी जनपत्रिकाएं खोल के जब सामने बैठते हैं तो दूसरों में और उनमें यही अंतर नजर आता है कि न केवल उनके ग्रहों का षडबल बहुत ऊंचा है, बल्कि वो बहुत अधिक वर्गों में उच्च राशि में या स्वराशि में बैठे हैं और उसकी सामर्थ्य को बढ़ाते चल रहे हैं। मैं एक जनरलाइज, अगर इतना सब गणना आपके सामने नहीं हो तो एक छोटी सी गणना करके देख लो। एक ग्रह अच्छे वर्ग में, अच्छे नवांश में, अब जन्म पत्रिका की काउंटिंग ही मत करो, अब हम काले नवांश कुंडली सामने है। एक ग्रह अच्छे नवांश में, उच्च नवांश में, स्वराशि में, उसको 1 लाख रुपए होंगे उसके पास। 2 ग्रह अच्छे नवांश में है, वो 50 लाख से कम का आदमी नहीं। 3 ग्रह अच्छे नवांश में है, वो करोड़ बनने की तैयारी में है। 4 ग्रह अगर नवांश में अच्छा हो गया तो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का आदमी। आज एक साधारण सा भी प्लॉट 50 लाख 1 करोड़ का हो जाता है, उसने कमाया 100 लाख, फिर उसके बच्चों की संपत्तियां भी उसमें जुड़ जाएंगी, उसके पिता से जो मिला विरासत में वो भी उसको जुड़ जाएगी, उसको जो मिलने वाला है नॉशनल शेयर, चाहे पिता की संपत्ति से, चाहे विरासत से, चाहे गिफ्ट से, चाहे कंपनियों से, चाहे संस्थाओं से, चाहे पेंशन के रूप में, चाहे ग्रेच्युटी के रूप में, या उसके खुद की अर्निंग विच इज बीइंग मल्टीप्लाइड एवरी ईयर। तो एक तरीका ये हुआ जन्म पत्रिका की स्ट्रेंथ जानने का। मान लो हम ये देखना चाहें किसके पास धन आ रहा है पर नष्ट भी हो रहा है, तो उसका लेवल उठता है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 मकान होते हुए भी और अपार कर्ज में डूबा हुआ है, तब उसका आकलन हम डिफरेंट तरीके से करेंगे, क्योंकि बने बनाए बहुत सारे योगों को एक जरा सी चीज खंडित कर देती है। उसमें आपको यही देखना है कि अष्टम और अष्टमेश कहाँ है, अष्टम और अष्टमेश उसकी जन्म पत्रिका के या उसके जिस जीवन के किस विषय को नष्ट कर रहे हैं। अष्टमेश दशम में गए तो नौकरी को कष्ट दे रहे हैं, व्यवसाय में भंग ला रहे हैं, राजयोग भंग कर रहे हैं। अष्टमेश दूसरे भाव में गए तो कुटुंब को और धन को नष्ट करेंगे। अष्टमेश चौथे भाव में गए तो माता को तकलीफ देंगे और जमीनों में दोष आ जाएंगे, वास्तु दोष। अष्टमेश का या षष्ठेश का चौथे भाव में बैठना ये बताता है कि विवादों से घिरे रहेंगे, संपत्तियों की सीमा कम हो जाएगी, कर्ज में आ जाएंगे और कोई ना कोई कष्ट होगा, और उसका एक सबसे बड़ा कारण चूंकि चौथा भाव है इसलिए वास्तु दोष होगा।
एक सबसे बड़ी बात जो ध्यान धन जुड़ने की कि उसके पास आया हुआ पैसा जुटे। कई लोग क्या करते हैं, नौकरी तो साधारण कर रहे हैं पर एक प्लॉट खरीद लिया, 20 साल बाद पता चलता है जिंदगी भर नौकरी से नहीं कमाया, उससे कई गुना अधिक उस प्लॉट की कीमत बढ़ गई। प्लॉट की कीमत बढ़ने का मोटा सा अनुमान देता हूँ, विच इज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, क्योंकि जिंदगी भर मैं ऐसे लोगों से घिरा रहा जिनका जमीनों से संबंध हो। जब मैं प्रशासनिक अधिकारी था तब मेरे आसपास जमीन वाले लोग रहते थे, काश्तकार रहते थे। जब मैंने वास्तु का काम शुरू किया तो मेरे पास जमीनों से जुड़े लोग ही रहते हैं, सारा वातावरण ही वही रहता है। तो आपका धन बढ़ता ही रहे, उसमें कटौती नहीं हो, मुकदमों में, गिफ्ट में, या सरकार के किसी कारण से या पारिवारिक विभाजन से आपकी संपत्तियां कम नहीं हो। इसके लिए एक बात जरूर देखिएगा कि लाभ भाव और धन भाव, दूसरा भाव और 11वां भाव शुद्ध हो, उस पर इन भावों का प्रभाव नहीं आ जाए, 6ठा, 8वां और 12वां। हाँ, 12वें में एक सुविधा मिल सकती है कि 12वें भाव का अगर आपके 11वें भाव से संबंध हो गया और गलती से कोई विदेश व्यापार है, विदेश का विषय आपके जीवन में आ गया, तब तो आप कमा खाएंगे। परंतु धन खर्च होने की सीमाएं भी बढ़ जाएंगी। यानी भाव शुद्ध होने चाहिए, शुभ भाव, शुभ दृष्टि, है ना। आगे हम पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी की चर्चा करने वाले हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी जनपत्रिकाओं को धन के मामले में सशक्त बनाने के लिए। चौथा भाव भी शुद्ध होना चाहिए। मैंने पहले कह दिया अष्टमेश चौथे में चला गया तो आप अमीर नहीं बन सकते, आपके पास संगठन नहीं जुटेगा, आप लोकप्रिय नहीं हो पाएंगे, लोग आपसे दूर होते चले जाएंगे, माता से भी तकलीफ रहेगी, आप जन्मभूमि से भी दूर हो जाएंगे। जन्मभूमि से दूर होकर आप कमा तो सकते हैं पर अष्टमेश का प्रभाव चौथे भाव पर आ गया तो पनपने नहीं देगा। एक आप ये जरूर देखें जन्मपत्रिका में कि केंद्राधिपत्य दोष तो नहीं। अगर एक भी लग्न विषम राशि की हो गई 3, 6, 9, 12 तो चारों भावों में केंद्राधिपत्य दोष आ गया। चारों भावों बृहस्पति और बुध की राशियां एक भी केंद्र में पड़ गई तो चारों राशियां आ जाएंगी केंद्र में। केंद्राधिपत्य दोष तभी दूर होगा जब स्वराशि का होकर या उच्च राशि का होकर वो ग्रह केंद्र में ही स्थित हो। मान लो मिथुन लग्न और बृहस्पति उच्च राशि के हैं परंतु केंद्र में नहीं, तो केंद्राधिपत्य दोष दूर नहीं हुआ। सिंह लग्न में शुक्र उच्च राशि के तो होंगे मीन राशि में जाके, परंतु केंद्र में नहीं, तो केंद्राधिपत्य दोष नहीं होगा, यद्यपि शुक्र अपने उच्च का होने का फल आपको देता रहे। तो एक बात आप जरूर ध्यान रखें, केंद्राधिपत्य दोष हो शुभ ग्रहों के कारण तो चौथा ही रिजल्ट रह जाता है, आंख मूंद के कह दीजिए पूरा फल नहीं मिल रहा, इतना बड़ा फर्क आ गया। यानी आप 100 रुपए कमाने वाले हो तो आप 25 ही कमा पाएंगे, केंद्राधिपत्य दोष इतना बड़ा होता है। हाँ, इसका उलट 6, 8, 12 जिनको हम खराब मानते हैं अगर उन पर शुभ प्रभाव आ जाए, जैसे कोई ग्रह उच्च का होके अष्टम भाव में बैठ गया धन की तिजोरियां खोलने का काम अष्टम भाव करता है, और अष्टम भाव में होके भी अगर वक्री भी हो गए, समझ लो कि आप करोड़पति हो गए बिना कुछ किए, कमाए चाहे ना कमाए धन तो आपके पास आएगा ही। हम ये भी तो देखेंगे कि जिंदगी में गरीब रह जाएगा, करोड़पति हो पर मरने के बाद हो तो क्या मतलब, मरने के बाद इंश्योरेंस का 10 करोड़ आ जाए आपको क्या लेने देना उससे।
LIC वाले आपको करोड़पति तो बनाते हैं, पर मरने के बाद बनाते हैं, आपके क्या काम का? पर इसके लिए जरूरी है उत्थान लाने वाली महादशाएं जीवन में पड़े आपके जीवन काल में। अगर जवानी में पड़ गई ऐसी कोई महादशा जिसका संबंध लाभ भाव के स्वामी की दशा से है, दशमेश है, पंचमेश है, भाग्य के स्वामी की दशा है, लग्न के स्वामी की दशा है, चतुर्थेश के स्वामी की दशा है, और वो ग्रह खोटा नहीं है, तो आप करोड़पति जवानी में ही बन जाएंगे। पर वो भाग्य के स्वामी की दशा आपको 60 साल की उम्र के बाद आ रही, तो तर्क कहता है कि वो कमाई बेटे पोतों से आने शुरू होगी, आपने तो जीवन में जो करना था कर लिया। या आपका व्यवसाय ऐसा हो कि साहब 50 साल से कंपनी स्थापित है और अब वो ब्रांड फेमस होने लगा है, पर पक्का है कि उसमें संतानों की भूमिका आ चुकी है। अगर आप 60 क्रॉस कर चुके हैं और भाग्य के स्वामी की दशा अब चल रही है, निश्चित है कि आपके बच्चों का परिश्रम उसमें आ चुका है, आपका पराक्रम तो हम 60 साल तक देख चुके हैं, जो आना था आगे, पर अचानक कैसे ग्रोथ होने लगी, औरों की जन्म पत्रिकाएं जुड़ गई आपके साथ। जन्म पत्रिकाओं का जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण। अचानक कोई भाग्यशाली व्यक्ति आपके साथ जुड़ गया आपकी कंपनी, कि आपका एक प्रेम संबंध स्थापित हो गया और भाग्यशाली लड़की आपके जीवन में आ गई, उस दिन से आपका ग्रोथ चार्ट बदलने लग जाएगा, उसका भी बदलने लग जाएगा। क्या जरूरी हुआ? अगर भाग्य के स्वामी की दशा बचपन में आ गई तो यकीनन आपके दादा या आपके पिता की भूमिका चल रही है और वो संपत्तियां आपको विरासत में मिलने वाली है, समझिए इस बात को। आपके बचपन में ही बहुत अधिक सुविधा मिलने लगी, आप बहुत ज्यादा कमाई घर में आ रही, तो आपके पिता या दादा कमा रहे इस समय, इसका मतलब कि आप विरासत की संपत्ति से ही करोड़पति हो गए बिना कुछ करे। मुझे मेरे पिता की छोटी सी बात याद आती है, टीचर थे, ट्यूशन करते थे, तो मेरे जन्म से कुछ वर्ष तक बुध महादशा चल रही थी जो कि शक्तिशाली है मेरी कुंडली में, तभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। कि मेरे पिता का वेतन तो 49 रुपए और ट्यूशन 400 रुपए, यानी मेरी शक्तिशाली दशा बचपन में आ गई और मैं तो कमाने रहा, मैंने कमाया तो ट्राई साइकिल कमा लूंगा, खिलौने कमा लूंगा, बाइसाइकिल संभाल लूंगा, कोई और अच्छे कपड़े आ जाएंगे, अच्छे जूते आ जाएंगे, और क्या होता है, बच्चे की भाग्योदय और कैसे होगा, माँ बाप आपको काजू किशमिश खिला देंगे और क्या होगा, रोज हलवा खिला देंगे, अच्छा नाश्ता करा देंगे, अच्छा भोजन करा देंगे, अच्छी शर्ट ला देंगे। पर जब आपके घर का जीवन स्तर बढ़ रहा था, इसमें आपके पिता वगैरह की भाग्य की दशाएं चल रही हैं या कोई अच्छी दशा चल रही है, और आदमी जब पैसा कमाता है तो सबसे पहले कहां लगाता है, जेवर में या जमीन, तो ये वित्त हो गया, वो आपको मिलने वाली है आगे। जवानी में है तो आप खुद अपने परिश्रम से कमा रहे हैं, भाग्य की दशा जवानी में आ गई तो आप अपने परिश्रम से कमा रहे हैं, परिवार को आगे ले जाएंगे। पर जब वो दशा बुढ़ापे में आ गई तो एक लॉजिक है कि पहले तो आपके पिता दे रहे थे, अब आपके पोते दे रहे हैं आपको, आपके पुत्र दे रहे हैं कमा कमा, आपका जीवन स्तर उठ गया है, अब आप करोड़पति हो चाहे अरबपति हो, और है बच्चों के माध्यम से। केवल वो कॉरपोरेट घराने जिनकी उन्नति में 50-100 साल लगते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था आ जाए तो बुढ़ापे में आई हुई भाग्य की महादशा आपकी कंपनियों या आपके ब्रांड को अचानक फेमस कर देंगे। अब अंतर बता रहे हैं, जवानी में भाग्य की दशा आएगी तो आपको 100 रुपये मिलेगा, बुढ़ापे में भाग्य की दशा आएगी तो आपको 1000 रुपये मिलेगा, क्योंकि बच्चों के भाग्य सारा है। या आपका ब्रांड फेमस हो गया, आपकी चल निकली है और बाजार में आपका माल बिक रहा है, यहां जन्म पत्रिकाओं के स्टेटस में ऐसे अंतर होता है, एक तो बचपन में आ गया, एक जवानी में आपके खुद के पुरुषार्थ से परिश्रम से आ रहा है, बुढ़ापे में बच्चों के परिश्रम से आ रहा है। इसका यह मतलब है कि जब बच्चे इतना कमा रहे हैं कि जिससे आप अमीर हो गए बुढ़ापे में, तो पक्का है कि उनके बच्चे तो और भी ज्यादा सुखी होंगे, क्योंकि उनके पिता कमा रहे हैं,
ये वो सीमा रेखाएं हैं, ये गुरु मंत्र है कि बुढ़ापे की भाग्य रेखा का मतलब आपकी 7 पीढ़ियों के लिए धन जमा हो रहा है। आपकी जन्मपत्र का लाख और करोड़ नहीं, बहुत करोड़ तक पहुंच चुकी है और अब वो फलने वाली, आगे फैलने वाली, विस्तार पाने वाली। कुछ योगों की चर्चा करें जो एक ही योग आपको 1,00,000 से 1,00,000,000 पर पहुंचा देगा। पंच महापुरुष योग है, रोचक है, भद्र है, हंस योग है, मालव्य योग है, शश योग है, शुक्र से मालव्य, बृहस्पति से हंस योग है। एक भी परमोच्च ग्रह या एक भी पंच महापुरुष योग अलग है, जमीन आसमान का अंतर अलग। व्यक्ति के सारे चरित्र को वह ग्रह अपने ढांचे में, अपने सांचे में ले आता है। पर ग्रंथों में आमतौर से ये नहीं मिलेगा कि पंच महापुरुष योग भी भंग हो जाता। मानसागरी में इसका उल्लेख खुलकर है। वो तो करें न केवल पंच महापुरुष योग बनाने वाले ग्रह के साथ सूर्य हो तो भंग हो जाता है, वो तो चंद्रमा के साथ भी भंग मान लेते हैं। इसका तर्क मुझे समझ में आया नहीं, पर मानसागरी के रचनाकार ने कहा है कि पंच महापुरुष योग में अगर चंद्रमा की युति हो गई तो भंग हो जाता है, उतना फल नहीं दे पाता। सूर्य इसके साथ तो अस्त हो जाता है, ये बात मानी जा सकती। चंद्रमा के साथ रचनाकार ने क्यों कहा? मेरा अनुमान है कि चंद्रमा ग्रह के प्रभाव को विकृत कर देते होंगे। चंद्रमा मन की इच्छाओं को बहुत बढ़ा देते हैं। और भी बहुत सारे योग भंग हो जाते हैं, उन योगों की हम चर्चा करेंगे। तो हम सूर्य और चंद्रमा से बनने वाले कुछ योगों की चर्चा कर लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। चंद्रमा से अनुफा, सुनफा और दुरुधरा योग बनते हैं। चंद्रमा से 12वें अगर कोई ग्रह हो जाए तो अनफा योग है। चंद्रमा से दूसरा योग, दूसरे में अच्छा ग्रह बैठ जाए तो शुभ योग है, सुनफा योग है। चंद्रमा से दोनों ग्रह तरफ बैठ जाए तो दुरुधरा योग है। इसका एकदम उल्टा केमद्रुम योग है, जब चंद्रमा से दोनों तरफ ग्रह नहीं है। चंद्रमा से दोनों तरफ ग्रहों का होना एक अच्छी बात बन जाती है। यही ग्रह जब सूर्य के दोनों तरफ बैठते हैं तो शुभवेशी, शुभवासी जैसे योग आते हैं सामने, दोनों तरफ बैठ जाए तो उभयचरी कहलाता है। जो दुरुधरा योग है वो चंद्रमा से बनता है, अगर उसी श्रेणी में सूर्य के दोनों तरफ ग्रह बैठे तो उभयचरी योग होता है। अब चंद्रमा के दोनों तरफ अनफा सुनफा हुआ और पाप हुआ तो पाप कर्तरी हो गया। सूर्य के जो पहले या दूसरे या 12वें भाव में ग्रह बैठते हैं तो शुभवेशी, शुभवासी ऐसे योग आते हैं। पापवासी नाम आ गया, पाप उभयचरी योग हो गया। अगर सूर्य के दोनों तरफ पाप ग्रह, दोनों का परिणाम अलग अलग। इनको हम इतना सब याद न रखें तो ये तो याद रखें कि कोई भी ग्रह अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है अगर शुभ कर्तरी में, यानी दोनों तरफ शुभ ग्रह। इसके लिए जरूरी नहीं कि एक ही भाव में हो, यह भी जरूरी नहीं कि एक भाव में दो ग्रह और एक भाव आगे या पीछे भाव में। ये तब भी बन जाता है जब दूसरे भाव में शुभ ग्रह हो, तीसरे भाव में शुभ ग्रह हो और अगला शुभ ग्रह 5वें भाव में, एक भाव का अंतर हो गया तो भी वो शुभ कर्तरी तो है ही है। पर नष्ट करने में, बर्बाद करने में पाप कर्तरी बहुत भूमिका निभाता है। पाप कर्तरी एक भी योग, शुभ कर्तरी एक भी योग आपको बहुत ऊंचा उठा देगा, 1,00,000 से 1,00,000,000 पर ले जाएगा, एक साथ जंप कर जाएगा। और पाप कर्तरी करोड़ को ठिकाने लगाने की योजना खोजता रहे, ये थोड़ा सा बोल्डली बोलना पड़ेगा इसको देख। पाप कर्तरी कभी भी अच्छे नहीं होते। प्रश्न लग्न में तो पाप कर्तरी जीवन और मृत्यु का सवाल होता ही होता है। किसी अपहरण के मामले में अगर, या बीमार के मामले में कोई आपसे प्रश्न पूछे और चंद्रमा के दोनों ओर पाप ग्रह हो, पक्का मृत्यु की सूचना है। मैं 1,000 बार भविष्यवाणी कर चुका और सफल गई सर। पर एक तरफ पाप ग्रह हो और एक तरफ शुभ ग्रह हो प्रश्न लग्न, तो गली बची रहती है जिंदा रहने की, चाहे अस्पताल के माध्यम से
गुरु के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से या वैद्य जी के माध्यम से। ऐसे ही चंद्रमा अगर शुभ कर्तरी में हो या कोई भी ग्रह शुभ कर्तरी में ना हो, एक तरफ शुभ ग्रह हो और एक तरफ पाप ग्रह हो, तो इसका मतलब लखपति करोड़पति बनने की राह पर है, नष्ट कर देगा फिर रास्ता खोज लेगा, नष्ट कर देगा फिर रास्ता खोज लेगा और धीरे 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 अमीर होता चला जाएगा। शुभ कर्तरी, शुभ वेशी या चंद्रमा या सूर्य से शुभ कर्तरी अगर बनता है तो निश्चित ही वो जन्मपत्रिका करोड़ों की स्वामिनी हो जाएगी, वो लखपति नहीं रहेगा, ही इज बाउंड टू गो हाई। अब जो अत्यंत महत्वपूर्ण बात है वह यह है, अष्टक वर्ग एक बार आप जरूर देखें। अष्टक वर्ग में कुछ एकाद योग ऐसे हैं जो सूचना देते हैं कि ये व्यक्ति महान बन सकता है, जैसे दशम भाव में जितने शुभ ग्रह हों, जितने शुभ बिंदु हों, उससे ज्यादा ग्यारहवें भाव में हों, ग्यारहवें भाव से कुछ कम बारहवें भाव में हो और बारहवें भाव से ज्यादा लग्न में, तो एक निश्चित राजयोग है ये। यानी जितना कर्म करेगा वो दसवें भाव से करेगा, उससे ज्यादा बिंदु ग्यारहवें भाव हो गए तो इसका मतलब वो अधिक लाभ कमाएगा, जितना कर्म किया उससे ज्यादा लाभ कमाएगा। जैसे किसी की फीस 1100 है, किसी की 11000 है, टाइम उतना ही देते हैं दोनों, तो ये ग्यारहवें भाव में दशम भाव से अधिक शुभ बिंदु होने का परिणाम, उसका प्रॉफिट रेशियो बिजनेस में भी ज्यादा होगा। और ग्यारहवें भाव में अधिक शुभ बिंदु और बारहवें भाव में कम बिंदु, इसका तर्क यह है कि जितना कमाएगा उतना खर्च नहीं करेगा तो दो पैसे बचेंगे, और बारहवें भाव से अधिक शुभ बिंदु लग्न में हो तो इसका मतलब वो बचाएगा फिर अपने अगली पीढ़ी के लिए भी छोड़ के जाएगा। अनुफयो या शुभ वेशी यानी सूर्य या चंद्रमा से दूसरे भाव में शुभ ग्रह, ये बहुत शक्तिशाली योग है। अगर इन दोनों ग्रहों से दूसरे भाव में एक से अधिक शुभ ग्रह आ गए तो वो भी बहुत शक्तिशाली ग्रह योग है। उसमें आदमी विभिन्न तरीकों से एक से अधिक माध्यम से धन कमाता है और करोड़पति बनने का अधिकारी हो जाता है, चाहे बचपन में गरीब ही पैदा हो। यही कथा चांदी के पाए के साथ है। दूसरे पांचवें और नवे में जो चंद्रमा होते हैं जन्म के समय तो चांदी का पाया कहलाता है। धनी बनना उसका भाग्य, इज बाउंड टू गो हाई। इसलिए चांदी का पाया का सुनते ही बच्चे का माँ बाप बहुत खुश हो जाते थे। मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं सब पाया कौन सा, ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है। एक बात तो ये आ गई कि इन लोगों में संगठन शक्ति अच्छी होती है दूसरे भाव के चंद्रमा से। धन और कुटुंब है ना, जिसका जितना बड़ा कुटुंब हो उतना ही बड़ा घराना बनेगा। पांचों भाव के चंद्रमा से मतलब ये है कि लाभ भाव को देख रहे हैं चंद्रमा और संतान कमा के देंगे। ये तर्क दे सकते हो कि बुढ़ापे में चमकेंगे वो पांचवें चंद्रमा से। और नवम भाव का चंद्रमा ये कहता है कि आप अपना प्रारब्ध फल भोग रहे हैं, आप जो कर्म किया है उसको भोगने की दशा आपकी शुरू हो चुकी है। तो जो बात मैंने पहले कही प्रकारांतर से अब मैं कह रहा हूं, दूसरे भाव के चंद्रमा में धनी घर में पैदा होता है, माँ बाप की कमाई विरासत में मिलती है बचपन से। पांचवें भाव का चंद्रमा बुढ़ापे में कमाई देता है, बेटे और पोतों की कमाई खाता है और अमीर हो जाता है। और नवें भाव का चंद्रमा आपकी जवानी की कमाई, प्रारब्ध की कमाई, अच्छे गुरु मिलेंगे, अच्छे सहयोगी मिलेंगे, पत्नी का भाग्य काम करेगा। ऐसे भाग्यशाली लोगों का जीवन 40 से 60 साल के बीच में देखना जरूरी है कि प्रारब्धवश उनके जीवन में कौन है इस समय, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, दोस्त, ऑफिसर,
सबॉर्डिनेट्स कौन आ रहा है उसके जीवन। फिर रिपीट करता हूं, कब करोड़पति बन जाएगा? दूसरे भाव में चंद्रमा है तो बचपन में ही करोड़पति बन जाएगा, कुटुंब बहुत बड़ा हो, सब सहयोग करेंगे, छोटे से बच्चे को भी लोग गोदी में लिए फिरेंगे। पांचवा भाव का चंद्रमा बुढ़ापे की कमाई देता है, संतान के माध्यम से देता है। दामाद या बहू बहुत अच्छे मिलते हैं, सुंदर मिलते हैं। और नवम भाव का चंद्रमा प्रारब्ध वर्ष आपको जवानी में ही कमाने की प्रेरणा देते हैं, गुरु की खोज में जाएंगे, बिजनेस पार्टनर्स की खोज में जाएंगे, धर्म क्षेत्र भी डिसिप्लिन में रहेंगे, ढंग से कमाएंगे। ये तीनों चंद्रमा लखपति से करोड़पति बनाने की योजना है भगवान की, आंख बंद के कह सकते हो कि ये करोड़पति हो गया। ये जन्म पत्रिका एक लाख की है ही नहीं, ये तो एक करोड़ से कम की है ही नहीं। मैंने तो प्रतीक रूप में एक लाख और एक करोड़ की बात चलाई है। आप इसको घटा बढ़ा सकते हो, आज एक प्लॉट ही 10-20-50 लाख का हो जाए तो ये सारे नियम बदल जाएंगे ना। वास्तव में भी एक बता देता हूं कि जिसके वास्तु शास्त्र के वास्तु चक्र के तीन गेट हैं मकान में, जयंत, भल्लाट और पुष्पदंत, ये गेट खोलने के 5 साल के अंदर अंदर 1 लाख का आदमी 1 करोड़ का हो गया। जिसके मुख्य और भल्लाट दोनों गेट खोल लिए आपने बचपन में, तो बुढ़ापे तक 50-50 करोड़ का आदमी हो जाएगा। संता ने कमा, आपने कुछ कमाया या नहीं कमाया, संता ने बहुत कमा हो जाएंगे, क्योंकि वो गेट संतान से संबंधित भी। ये वास्तु की बात आ गई। जैमिनी ऋषि एक और भी बात बताते हैं, वो कहते हैं आरूढ़ लग्न से दूसरे भाव में उच्च का ग्रह हो तो श्रीमंत योग होता है। आरूढ़ लग्न का मतलब जैसे आपके लग्न का स्वामी तीसरे भाव में चला गया, एक तो यही खास बात हो गई। लग्नेश सहजे षष्ठे से मितुल्य पराक्रम है, लग्नेश तीसरे या छठे भाव में पहुंच होता है तो शेर जैसा पराक्रम होता है, आदमी जोखिम लेता है, वेंचर करता है। धन कौन कमाएगा? जो वेंचर करेगा। आपने मान लो वेंचर नहीं किया तो बड़ा पैसा नहीं आएगा, बड़ा पैसा चाहिए तो आपको जोखिम लेनी पड़ेगी जीवन। ऐसे लोग आंख बंद के तालाब में कूदने की हिम्मत रखते हैं, कौन? जिनका लग्नेश तीसरे भाव में या छठे भाव में चला जाए। बात आरूढ़ लग्न की हो रही थी, लग्नेश मान लो तीसरे भाव में हो गए तो तीसरे भाव से तीसरा भाव पांचवा भाव हो गया, यानी आरूढ़ लग्न आपकी क्या हुई? पांचवें भाव में जो राशि है वो आरूढ़ लग्न हो गई। अब आरूढ़ लग्न से दूसरे भाव में अगर कोई उच्च का ग्रह हुआ तो जैमिनी ऋषि कहते हैं कि यह है इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल, खोलो उसको दबाओ। तो श्रीमंत योग है, श्री और मान, शासक भी बनेंगे धन भी आएगा, निश्चित है कि आप भूमि के क्षेत्र अधिकारी हो जाएंगे और करोड़पति बन जाएंगे। अच्छा, किन के पास नकद नहीं हो और संपत्ति जुड़ती चली जाए तो भी तो करोड़पति हो सकते हैं। किन लोगों की संपत्ति 1 लाख से 1 करोड़ बहुत जल्दी हो जाती है? जिनके चतुर्थेश उच्च राशि में हो या चतुर्थ में हो, जिनके चतुर्थ भाव से शुक्र और बुध का संबंध हो। अब ये तो उसकी कीमत बढ़ाने की बात है, पर विस्तार जब हो, एक ही जगह 10 संपत्ति हो जाए, 2 कारण है उसके, या तो चतुर्थ या चतुर्थेश का लग्न या लग्नेश से संबंध हो जाए, उनकी संपत्तियां 1 करोड़ से 100 करोड़ तक पहुंचती हैं, और अनंत विस्तार तब होता है जब लग्नेश और चतुर्थेश में अच्छा संबंध हो, या बृहस्पति चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। ऐसे लोगों की संपत्तियों का विस्तार बहुत ज्यादा होता है, 1 लाख से 1 करोड़ पहुंचने वाले वो लोग बहुत जल्दी होते हैं। बल्कि ये जो मैंने लास्ट में बताया इसका वास्तु से संबंध है, इन लोगों की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, इन लोगों के उनकी संपत्तियों के दाम तेजी से बढ़ते हैं, विस्तार भी तेजी से बढ़ता है।
हम सारे विषय को कंक्लूड करते हैं। आवाज नहीं आ रही है, ये लिख रहे हैं। तो बात कही मैंने, ग्यारहवां भाव, दूसरा भाव और चौथा भाव अगर शुद्ध हो, तो व्यक्ति को करोड़पति बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। दूसरी बात, अगर षष्ठेश और अष्टमेश जैसी जैसे बाधक ग्रह अगर लाभ या दूसरे भाव को सताते हैं तो उनका धन नष्ट होता है और उनको ऊंचा उठने में बहुत दिक्कत आती है। तीसरा, षडबल युक्त हो दो या तीन ग्रह, पक्का जनप्रतिनिधि अनुपात से भी अधिक जम सकते, धीरे धीरे नहीं, अचानक उत्थान है। पर षोडश वर्गों में अगर चार पांच ग्रह में वर्ग अच्छे हो गए, छह में अगर सात में हो गए, छह या सात वर्गों में, बल्कि आठवां वर्ग और सातवें वर्ग में, यानी कल्प वृक्ष सोलह में से सात वर्ग होने पर कहते हैं, उसके आगे अगर वो चंदनवन वगैरह में आ जाए, सात आठ नौ वर्गों में उत्तम हो जाए, तो उनकी संपत्तियों का विस्तार एक सौ दस हजार एक लाख ऐसे ऐसे जम करती है। इसको आइडेंटिफाई करना हमको बहुत जरूरी है, और अगर ऐसा आप पाते हैं तो भी खटके आप बोल दो ऐसा होगा और उनकी संपत्तियों का विस्तार होगा। इन सब में सबसे शक्तिशाली अगर लग्न शक्तिशाली, चंद्र लग्न शक्तिशाली, वर्गोत्तम या पुष्कर अंश में हो या मूल जन्मपत्रिका में ही शुभ कर्तरी में हो, सूर्य या चंद्रमा या कोई भी भाव, जैसे लाभ भाव शुभ कर्तरी में है, तो बिना किसी अनुपात के धन बढ़ेगा। भाग्य भाव शुभ कर्तरी में है तो बिना किसी अनुपात के भाग्य भाव बढ़ेगा। चौथा भाव शुभ कर्तरी में है तो बिना किसी अनुपात के धन बढ़ेगा बहुत तेजी से। पर सूर्य अगर शुभ कर्तरी में तो उसके व्यवसाय भी उसी अनुपात में तेजी से बढ़ेंगे, मल्टीपल फंक्शंस। नाड़ी ज्योतिष में तो ये है कि सूर्य के साथ जितने ग्रह होते हैं उसका पिता उतने व्यवसाय करता है, ये बात पुत्र पर बराबर लागू होती है। तो पिता के काम की विरासत वही तो संभालेगा, उन्हीं को तो अजमाएगा आगे चल। तो सूर्य और चंद्रमा का शुभ कर्तरी होना बहुत ही अनुकूल माना गया है और व्यक्ति करोड़पति होना शुरू हो जाता है।